देहरादून के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र सिंह खाती ने विकास नगर और सेलाकुई दमकल कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अपने निरीक्षण में दफ्तर और दमकल स्टेशन की साफ सफाई एवं सरकारी दस्तावेजों के रखरखाव पर संतुष्टि जताई। वहीं उन्होंने बताया कि सेलाकुई दमकल कार्यालय के जीर्णोद्धार के लिए कार्य योजना तैयार किया जा रहा है, जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र सिंह खाती ने कहा कि फायर टीम को वाहनों और उपकरणों को हमेशा कार्यशील दशा में रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्टेशन की पत्रावली हूं और राष्ट्रों का गहनता से निरीक्षण कर रखरखाव सही से करने को भी निर्देश किया। देहरादून से संवाददाता प्रमिता सारंग की रिपोर्ट। सर, परसोदन में आज कई जगह आपका निरीक्षण भी रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये हमारा एक जो है मुख्यालय से एक आदेश है कि साल के दो वक्त, होली से पहले और दीपावली से पहले, सभी फायर स्टेशनों का निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा आज विकास नगर फायर स्टेशन और अभी सेलाकुई फायर स्टेशन का निरीक्षण किया गया। इसमें कर्मचारियों का टर्नआउट, उनका बैरिक वगैरह, मैस वगैरह, साफ़ सफाई और इक्विपमेंटों का रखरखाव, ये सब चीज़ देखा गया। उनसे इक्विपमेंट का संचालन भी कराया गया और जो संतोषजनक रहा, और उनको कुछ निर्देशित भी किया गया तो समय समय पर इस तरह से आप उसका अभ्यास करते रहेंगे। सर, क्या क्या कमियाँ देखने को मिली इसमें? कमियाँ थोड़ी सी, प्रैक्टिस की थोड़ी कमी जैसी महसूस हुई, फिर भी लगातार अगर यदि इस तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें और निखार आएगा। कुछ इक्विपमेंट में हमारे जो वाहन हैं, खासकर विकास नगर में भी और यहाँ सेलाकुई में भी, अभी जो हेडक्वार्टर से जो एक निर्देश आया है कि जितनी पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको नीलाम किया जाए निष्प्रयोज घोषित करके, लेकिन ये संभव नहीं है कि उनको तुरंत तत्काल नीलाम किया जाए, क्योंकि शासन से जब वित्तीय स्वीकृति मिलेगी और उसके आधार पर नए वाहन खरीदे जाएंगे तभी उनको नीलाम कराया जा सकेगा। तब तक इन्हीं गाड़ियों से काम चलाया जा सकेगा, जिनका रखरखाव के लिए संबंधित जो एफएसओ है उनको निर्देश किया। सर, सेलाकुई की अगर बात किया जाए तो सेलाकुई में क्या लगता है आपको कि फायर गाड़ियों की और ज़रूरत है यहाँ पर, नई गाड़ियों की?